फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजीम अटीचे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 क्विंटल कितना होता है, यानी कि 10 क्विंटल का जो वज़न है इसमें कितने किलोग्राम, कितना टन, कितना मन होता है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे किसको निकालेंगे। तो दोस्तों, 10 क्विंटल कितना होता है ये जानने से पहले हम जानते हैं कि 1 क्विंटल कितना होता है। तो 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। 100 किलोग्राम को यानी कि 100 केजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर है तो 10 क्विंटल कितना हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 क्विंटल बराबर 10 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम। तो यानी कि 10 क्विंटल हो जाएगा हमारा 1000 किलोग्राम के बराबर। तो हमारा क्वेश्चन पहला हो गया जवाब कि 1000 केजी होगा, कितना होगा, 1000 केजी। ये हो गया हमारा पहला जवाब। दूसरा है कि कितने टन होंगे। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि 10 क्विंटल में कितने टन होते हैं, तो हमें ये मालूम हो कि 1 टन कितना होता है। तो 1 टन का वज़न कितना होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 टन का वज़न 1000 किलोग्राम के बराबर होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर समझिए, 10 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होता है और 1 टन में भी 1000 किलोग्राम होता है। तो इसका मतलब कि 10 क्विंटल जो है आपका 1 टन के बराबर होगा। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का जवाब। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 10 क्विंटल में कितना मन होता है। तो दोस्तों, ये जानने से पहले हमें ये मालूम हो कि 1 मन का वज़न कितना होता है। तो 1 मन का वज़न 40 किलोग्राम के बराबर होती है। कितना, 40 किलोग्राम के बराबर। तो यहाँ पर समझिए, 10 क्विंटल बराबर 1000 किलोग्राम और 1 मन बराबर कितना होता है, 40 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो है 10 क्विंटल है, इसको क्या करना है, हमें मन में कन्वर्ट करना है। तो मन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो 1000 में 40 से भाग दिया जाएगा तो हमारा ये जो क्विंटल है मन में बदल जाएगा। तो 10 क्विंटल बराबर 1000 बटे में 40, तो ठीक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 ये ख़त्म, फिर 4 से काटेंगे, 4 2 के 8, 4 5 20, यानी 25 बार में कट गया। तो कितना आ जाएगा, 25 मन। तो यानी कि 10 क्विंटल बराबर कितने हो जाएंगे, 25 मन हो जाएंगे। तो ये रहा 10 क्विंटल के बारे में सारी जानकारी कि 10 क्विंटल कितना होता है। तो ये 10 क्विंटल में 1000 किलोग्राम और 1 टन और 25 मन होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।